वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हमने जो वीडियो की सीरीज 3 थी क्वेश्चन नंबर 7 तक का कर लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जीरो पीरियड में सीजी बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि मैथमेटिक्स का है क्लास 10th के लिए, उसके सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। सवाल नंबर 8 से हमारा आज का वीडियो शुरू हो रहा है। सवाल नंबर 8 ये कहता है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करो या बेलन का आयतन क्या होगा। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ें इसको तो इस तरह से होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि बेलन की जो परिधि होती है वो वृत्ताकार होती है, तो बेलन की ये परिधि के लिए अगर सूत्र में लगाऊं तो बेलन की परिधि का सूत्र क्या बनेगा, वो वही सूत्र होगा जो वृत्त की परिधि का होता है, मतलब इसको हम 2πr कह सकते हैं। और h यानी कि ऊंचाई जो है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इस 2πr को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 88 से, क्योंकि आपको आधार की परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। अब मुझे इसमें वैल्यूज पुट करना है अगर, तो 2 अप इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88 इस तरह से पुट कर दूं मैं। मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, आर को लेफ्ट साइड में छोड़ करके बाकी सारे वैल्यूज़ को मैं राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ। पक्षांतर करने से ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 22 एकम 22, 22 चौक 88, ये कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो रहा है। तो आर की वैल्यू जो आ रही है 2 × 7 यानी कि 14 आ रही है। तो आर का मान यानी कि त्रिज्या का मान आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। एच आपके पास ऑलरेडी है, वो है 10 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या है। बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर वर्ग एच, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर पाई की जगह आपको 22/7 पुट कर देना चाहिए, आर की जगह 14 है तो 14 का स्क्वायर लिख दीजिए आप, एच की जगह 10 पुट कर दीजिए, 7 से अगर कैंसिल करेंगे तो दोनों में से एक 14 को काट सकते हैं आप, 22 × 14 × 2 × 10, ये आपका फाइनल कैलकुलेशन बनेगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आइए इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले 14 और 22 को गुणा करें तो 14 × 28 का 8 यहाँ लिख दूंगा, बचेगा 2, 14 × 28 और 2 = 30, तो 308 ये हो जाएगा। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 10 से करूँगा, आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। 308 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका डबल हो जाएगा 616, और उसके आगे एक जीरो और लगा दूँ 10 का गुणा करते हुए, तो कुल मिला करके आपका जो आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का वो आ रहा है 6160, और आयतन था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब इसकी इकाई आ जाएगी, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। तो इसका सॉल्यूशन आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मैं इस पर कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरण 10x − 1/x = 3 के मूल ज्ञात करने की बात करता है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10x − 1/x = 3 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसमें फार्मूला मेथड यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को ठीक से लिख लें। इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रहा है 10x − 1/x = 3, तो अगर मैं इसको कर दूँ 10x − 1/x = 1/3, तो ये सही होगा। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चन को, तो दोनों का एलसीएम ले लेना चाहिए, एलसीएम एक्स आ जाएगा, तो ये 10x² हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 3 जाके वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, एक्स जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 × 10 = 30x² हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और x × 1 = x आ जाएगा। फिर थोड़ा सा सेट करें इक्वेशन को, तो 30x² − x − 3 = 0। अब आपको इसको गुणनखंड विधि से बनाना है, तो इसमें a की जगह 30 है, b की जगह -1 है, c की जगह -3 है, तो
तो 30 और 3 दोनों के साथ 30 और माइनस 3 इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस 90। अब माइनस 90 के जो पॉसिबल फैक्टर होंगे उसमें 10 और 9 दो फैक्टर ऐसे होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने से मुझे माइनस 90 मिल जाएगा, माइनस 10 और 9 का, और उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ या ऐड कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा माइनस 1। तो अब आप इसको सेट कर दें उस हिसाब से, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 30x² माइनस 10 माइनस 9 कर लें इसको क्योंकि ये 1 है, उसके बाद x आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड हम यूज कर रहे हैं। 30x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 30x² अपनी जगह रहेगा और माइनस 10x अपनी जगह रहेगा, इनसे एक ब्रैकेट बना लें, फिर 9x माइनस 3 का एक दूसरा ब्रैकेट बना लें, यहाँ से 10x कॉमन निकाल दें तो 3 बचेगा, x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ आप अगर 3 निकालते हैं कॉमन तो 3x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आए हैं, तो 3x माइनस 1 को हमने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 10x प्लस 3। अब आपको दो रूट्स इस यहाँ से मिल जाएंगे। अगर मैं 3x माइनस 1 को 0 मानता हूँ तो 3x इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 होगा। और अगर 10x प्लस 3 को मैं 0 मानता हूँ तो 10x की वैल्यू माइनस 3 होगी और x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 10 होगी। तो कुल मिलाकर के दोनों रूट्स आपने निकाल लिए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से और ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर है और उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। आसान सवाल है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इफ इट्स वॉल्यूम इज 550 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस पर शंकु का आयतन दिया है, तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² h, ये होता है कोन का वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है, मैं हिंदी में वापस लौट रहा हूँ, कभी कभी अंग्रेजी में चला जाता हूँ, आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। तो शंकु का आयतन का मान दिया है आपको 550, तो मैंने 550 रख दिया, 1/3 की जगह 1/3 रखा, पाई की जगह 22/7 रखा, आर आपको नहीं दिया है, आपको व्यास दिया, मतलब डी आपको 10 दिया है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, और हाइट मुझे नहीं पता जो मुझे निकालनी है। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 550 गुणा 3 गुणा 7 बटा 22 गुणित 5 गुणित 5 बराबर एच। आपने क्या किया, आपने एच को यहीं छोड़ा लेफ्ट साइड में, बाकी सारे नंबर्स को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, पक्षांतर कर दिया। तो 3 और 7 ये दोनों नीचे थे हर में यानी कि भाग में थे, ऊपर जाके गुणा कर दिया और 1, 22 और 5 का वर्ग ये न्यूमेरेटर में थे यानी गुणा में थे, उसको हमने डिनोमिनेटर में यानी कि हर में ले आया। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, 11 × 5 = 55, 0 लगा दें, 11 × 2 = 22, फिर आप 5 से इसको और आराम से काट सकते हैं, 5 × 10 = 50, फिर 5 से काट सकते हैं, 5 × 2 = 10, और ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, तो एच की वैल्यू 7 और 3 को गुणा करने से 21 आएगी और यूनिट सेंटीमीटर था, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 21 सेंटीमीटर आएगा। इसी क्वेश्चन में एक आर करके पार्ट है, मतलब अथवा का एक हिस्सा है, उसमें एक दूसरा सवाल है, उसे भी देख लेते हैं। वो कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ हैविंग डायमीटर 14। डायमीटर आपको 14 दिया है, तो इससे तो ये पता चल गया कि रेडियस जो है वो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ यानी कि TSA, तो TSA आप किसका निकालना है, हेमिस्फीयर का, तो ये होता है 3πr², इसको मैं हिंदी में लिख दूं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ये हो जाएगा, तो ये 3πr² होता है, तो 3 की जगह 3 रखें, पाई की जगह 22/7 रख दें, आर स्क्वायर कह रहा है तो दो बार आपको 7 को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, एक काट देंगे आपस में, ये तो 3 × 22 × 7 हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा ये 66 हुआ, फिर 7 से और गुणा करना पड़ेगा, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ आएगा। अब आयतन की अगर मैं बात करूं तो आयतन कुछ इस तरह से बनेगा, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr² h, 1/3 की जगह 1/3 पुट करें, पाई की जगह 22/7 पुट करें, आर की जगह 7 × 7 और एच आपने निकाला है। अच्छा ये अर्धगोले का है, क्षमा करें मैंने इसको शंकु के आधार पर बना दिया, एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दे, क्षमा करिए इसको मैं सुधार देता हूँ, मैं इसको शंकु के आधार पे आगे बढ़ गया था, पिछला क्वेश्चन हमने शंकु का बनाया था तो शायद वो बात दिमाग में रह गई। ये अर्धगोला है यानी हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा आयतन जो होगा वो गोले के आयतन का आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 πr³। तो 2/3 अपनी जगह रहेगा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपने अभी निकाला ही है 7 × 7 × 7, 1 7 को आप चाहे तो काट दें और बाकी तो कुछ कटते हुए नहीं दिख रहा है, 2 × 22 × 7 × 7/3, ये डेसिमल में आएगा इसका आंसर, होल नंबर नहीं आ सकता। देख लेते हैं क्या बनता है, कुल कैलकुलेशन करके मैं सीधे आंसर को लिख देता हूँ। अगर देखें 22 और 2 का तो 44 हो गया, और 7 और 7 का गुणा करें तो 49 हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको लार्जर मामले पे न जाते हुए सीधे सीधे सिंपलीफाई करूँ तो ये दोनों का आ जाएगा 2156, उसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो 3 × 7 = 21 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 बचा इसमें से 2 × 3 = 24, फिर बचा 2 और 3 × 6 = 18, 6 6 इस तरह से आते जाएगा cm³। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर देखकर कुछ नया लग रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ कैलकुलेशन थे तो मैंने थोड़ा सा टाइम वीडियो का टाइम सेव करने के लिए वो कैलकुलेशन वीडियो शुरू करने से पहले ही कर लिया। इसमें एक टेबल दिया गया, उस टेबल को आपको उसका मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए आपने पहले सबसे पहले एक क्लास दिया हुआ है, वर्ग वर्ग को आपने लिख लिया, फिर वर्ग लिखने के बाद आपने उसकी आवृत्ति लिख ली जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं एफ, और फिर उनके बेसिस पे आपने एक सीएफ टेबल बनाया। सीएफ टेबल आपके लिए इस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा। सीएफ टेबल क्या होगा, उसमें आपको फ्रीक्वेंसीज को कंटिन्यूअसली जोड़ना पड़ेगा। जैसे पहला ग्रुप का जो क्लास फ्रीक्वेंसी है 4 है, इस 4 को मैंने 10 के साथ ऐड कर दिया तो ये 14 हो गया और नेक्स्ट का सीएफ बन गया, फिर 14 को मैं 15 के साथ ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट का ये सीएफ बन जाएगा 29। इसी सीक्वेंस को, इसी क्रम को, इसी ऑर्डर को रिपीट करते हुए हमने पाया कि टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 40, तो इसको हम कहते हैं एन। अब एन की वैल्यू अगर 40 आई है तो n/2 आपको निकालना पड़ेगा, जो कि मध्य की वैल्यू होगी, वो हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। अब आप देखिए 20 कहाँ पर आ रहा है, इस क्वेश्चन में 20 के नाम से तो कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, लेकिन 20 से 30 वाला जो ग्रुप है वो 14 के बाद और 29 के पहले शुरू होता है, तो ये जो ग्रुप होगा ये आपका मीडियन क्लास होगा, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं मीडियन क्लास के रूप में। अब जब मीडियन क्लास आपको मिल गया है तो अब आपको फार्मूला लगाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं बचता। फार्मूला क्या है मीडियन का, वो मैं आपको बता दूं, मीडियन का फार्मूला होता है L+(n/2 − Cf/f)×, आपको जो गैप है उनसे मल्टीप्लाई करना, दैट इज h, ये फार्मूला हो गया। अब L क्या है, n क्या है, Cf क्या है, f क्या है, वो हम एक एक करके समझ लेते हैं। L है इस लिमिट, इस ग्रुप का लोअर लिमिट यानी कि 20, आपने जो मीडियन क्लास खोज के निकाला था 20 से 30 का, उस 20 से 30 का लोअर जो लिमिट होगा वो 20 होगा। n/2 हमने निकाल लिया है पहले, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करें, n/2 की वैल्यू हमारे पास 20 है। माइनस Cf क्या होगा ये सोचिए, Cf इसमें जो होता है वो इसके ठीक पहले वाला फ्रीक्वेंसी होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपका जो ग्रुप है उसमें 29 है और उसके पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 है, तो आपको यहाँ Cf में लेना पड़ेगा 14 और फ्रीक्वेंसी तो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यानी कि 15 हो जाएगा, और H जो है वो ग्रुप के बीच का डिफरेंस होता है,
ग्रुप 10-10 का है तो आपका H जो है वो 10 होगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, 20 प्लस 20 माइनस 14 ये हो जाएगा 6, 6 अपॉन 15 इंटू 10, 20 में 14 घटाया 6 बचा, 6 बटा 15 आया, ऊपर गुणा 10 है, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा दो बार, 3 दूनी 6, तो 20 और 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर के 24 जो है वो इसका मीडियन होगा, माध्यिका होगी 24, ये इस सवाल का जवाब होगा। इसी प्रश्न में एक अथवा का हिस्सा है और अथवा के हिस्सा में आपको बहुलक निकालने के लिए कहा गया। बहुलक मतलब होता है मोड। मोड निकालने के लिए आपको एक टेबल दिया हुआ है, आपको इस टेबल को फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको मॉडल क्लास लेना पड़ता है। मैं समझता हूँ शायद बिना फिर से बनाए भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मॉडल क्लास के लिए करते क्या है, एक एक करके समझ लें। मॉडल क्लास के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो ये आपका हो गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16। तो जब 16 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी। तो आपका मॉडल क्लास यानी कि बहुलक का क्लास जो है, बहुलक श्रेणी जो होगी, तो मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ, बहुलक श्रेणी आपकी हो जा रही है 20 से 30 वाली। अब आपको बहुलक निकालने के लिए एक फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, वो फार्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ। फार्मूला क्या है वो समझिए, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ अपान टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ ओ भी पढ़ते हैं, एफ जीरो ही पढ़ते हैं, टू एफ वन होगा, और इसको सुधार दूं मैं, 2F1 होगा, फिर F0 होगा, फिर F2 होगा। तो कुछ इस तरह से इसका फार्मूला बन जाएगा। अब आप कैसे कैसे इसको पुट करेंगे वो देखिए। आपका जो मॉडल क्लास है ये आपका F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया। मतलब आप जब फार्मूला में पुट करेंगे मॉड निकालने के लिए, तो L आपका हो जाएगा 20 क्योंकि आपकी जो श्रेणी है वो उसका सबसे छोटा जो लोअर लिमिट है वो 20 है, और उसके बाद F1 जो होगा वो होगा 16 माइनस FO वो होगा 5 बटा 2 F1 यानी कि 2 गुणित 16 माइनस 5 माइनस 12 इंटू H भी था फार्मूला में, मैंने क्यों छोड़ दिया उससे, इंटू H रहेगा। एच आपका क्लास का इंटरवल है वो 10 का है। अब बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 20 धन 16 में 5 गया तो 11 बचा यहाँ, और ये बच जाएगा आपका 16 दूनी 32, 32 में 5 गया तो 32 में 5, 12 में 5, 7 ये हो गया 32, 32 में 5 घटा दो और ये हो जाएगा आपका 27, फिर उसमें 12 और माइनस कर दो तो 15 बच जाता है। तो सीधे मैं नंबर को ही लिख देता हूँ यहाँ पर, वो आ रहा है 15। इसको गुणा करना है मुझे 10 से, आप चाहें तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 यही काट दें, फिर आपका आ जाएगा 20 धन 11 दूनी 22, 22 बटा 3 मतलब 20 धन 3 से गया 7 बार, 3 सत्ते 21 बचा 1 तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 तो 27.33 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में फिर आपको देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए जीरो पीरियड में, अगले क्वेश्चन और उसके बाद के क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट पार्ट पे आप देख पाएंगे। नमस्कार।